दोस्तों इस समय भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और अन्य भारतीय संस्थान न जाने कितने सीक्रेट वेपन के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा रहस्य अगर किसी हथियार को लेकर है तो वो है काली 5000। इस हथियार को लेकर न्यूज चैनल, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि इस तरह का कोई हथियार भारत के पास ना मौजूद था और ना ही भारत इस पर काम कर रहा है, लेकिन 18 दिसंबर 2015 को भारतीय संसद में कुछ ऐसा घटा जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत के सीक्रेट प्रोजेक्ट की तरफ खींच लिया। संसद में भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसमें यह माना गया कि भारत इस तरह के हथियार पर न केवल काम कर रहा है बल्कि उसके पास ऐसा हथियार मौजूद भी है। हाल ही में चीन ने EMP वेपन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन का परीक्षण किया और अमेरिका की एजेंसी ने दावा तक कर दिया कि इस हथियार को चीन ने LAC पर तैनात भी कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन भारत के इस लेजर वेपन से इतना ज्यादा डरा है कि उसने इस तरह के वेपन को सीमा पर तैनात किया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं भारत के इस खुफिया प्रोजेक्ट के बारे में। काली को सबसे पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC ने एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर बनाया था ताकि ये हमारी सैटेलाइट वगैरह को सुरक्षित कर सके और उस पर पड़ने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उसे बचा सके। भारत के जितने भी खुफिया मिशन पर काम होता है वो इसी BARC के सेंटर में होता है, जो कि मुंबई के ट्रांबे में एक खुफिया जगह पर स्थित है। काली का पूरा नाम किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर है। इसको 1985 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। काली के कई सारे वेरियंट है। इसमें सबसे खतरनाक काली 5000 को माना जाता है। इस हथियार के अंदर इतनी ज्यादा बिजली की ताकत मौजूद होती है कि उत्तर प्रदेश जैसे 5 राज्य को बिजली प्रोवाइड कर सके। अब आप सोच सकते हैं कि यह क्यों बेहद ही खतरनाक हथियार है। यह इतनी तेज बिजली कुछ सेकंड के लिए एक जगह पर केंद्रित करता है, जिस वजह से सामने पड़ने वाली चीज पल भर में खाक हो जाती है। यही नहीं दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन व्हाइट वॉश में भी काली वेपन का ही इस्तेमाल किया था। अगर आप ऑपरेशन व्हाइट वॉश के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे काली वेपन के बारे में। दोस्तों आज चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन भारत के इस काली हथियार के नाम से ये दोनों ही देश कांप जाते हैं। जब भी भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ता है तो इस हथियार को लेकर चर्चाएं तेज हो जाती है। भारत का यह हथियार परमाणु बम से भी ज्यादा घातक बताया जाता है। काली को अदृश्य तरंगों वाला ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। काली वह तकनीक है जिसके जरिए लेजर जैसी अदृश्य बीम से हमला करके दुश्मनों के हथियारों को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। इसको विमान, ड्रोन, दुश्मन की मिसाइल, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रह तक को मार गिराया जा सकता है। पब्लिक डोमेन में जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार BARC और DRDO मिलकर काली 5000 को बना रहे हैं। कुछ रक्षा विशेषज्ञ और विकिपीडिया पर मौजूद जानकारी के अनुसार भारत ने काली को 2004 में ही बना लिया था। फिलहाल भारत इसे और भी ज्यादा अपग्रेड कर रहा है जिससे इसकी ताकत और बढ़ाई जा सके। इस तरह की तकनीक अभी तक अमेरिका को छोड़कर किसी के पास भी मौजूद नहीं है, लेकिन अमेरिका की यह तकनीक भारत के काली 5000 के जितनी घातक नहीं है। काली सीक्रेट प्रोजेक्ट को 1985 में BARC के डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदंबरम ने शुरू किया था। वही 1989 में सरकार की मंजूरी के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो पाया था। काली वेपन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वेपन है और ये बहुत ही प्रूवन सिस्टम है। चलिए जानते हैं कि कैसे काली वेपन पारंपरिक मिसाइल और टैंक से इतना अलग होता है। मिसाइल और टैंक से निकले गोले में बारूद या खास तरह का विस्फोटक होता है जो टारगेट को बर्बाद कर देता है, लेकिन डायरेक्ट एनर्जी वेपन जैसे कि हमारा काली हथियार है, इस तरह के डायरेक्ट एनर्जी वेपन में लेजर, हाई पावर की माइक्रोवेव या पार्टिकल बीम ही मुख्य हथियार होता है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन कई तरह के हो सकते हैं और इनकी ताकत भी अलग होती है। जैसे कि अगर लेजर वेपन से किसी मिसाइल को मार गिराना हो तो उसके लिए 500 किलोवाट की लेजर बीम की जरूरत होगी, लेकिन कम पावर की लेजर से ड्रोन या जासूसी करने वाले छोटे विमानों को मार गिराया जा सकता है। इस तरह के हथियारों को भविष्य का वेपन माना जाता है। एक परमाणु हथियार के धमाके में पूरा इलाका बर्बाद हो सकता है और टारगेट समेत उसके आसपास की हर चीज खत्म हो सकती है, जबकि डायरेक्ट एनर्जी वेपन या लेजर वेपन में यह काम कहीं बेहतर तरीके से हो सकता है। आज के समय में एक फाइटर एयरक्राफ्ट की रफ्तार आवाज से तेज होती है, लेकिन लेजर वेपन उससे कहीं तेज प्रकाश की गति से तेज मार कर सकता है, यानी दुश्मन को सोचने समझने का मौका मिले उससे पहले ही उसे नष्ट कर दिया जाता है। लेजर वेपन से एक साथ कई लक्ष्य को मार गिराया जा सकता है। वहीं इसकी सबसे बड़ी खासियत यह एक खामोश हमलावर है, यानी बिना आवाज के ही यह अटैक करेगा और आंखों से दिखाई भी नहीं देगा। वहीं आज की मिसाइलों के मुकाबले इस पर खर्च कम और ताकत उससे कहीं ज्यादा होगी और निशाना भी बिल्कुल सटीक होगा। वहीं मिसाइलों के मुकाबले इसे दोबारा यूज में भी लाया जा सकेगा। दोस्तों इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ वाली वीडियो पर 3000 के करीब जय हिंद के मैसेज आए थे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर भारत के इस मोस्ट
मोस्ट सीक्रेट वेपन पर 1000 जहिंद के कमेंट आते हैं तो मैं इसी हफ्ते ऑपरेशन व्हाइट वॉश के ऊपर और रॉ के कारनामे के ऊपर, जिस पर मैंने कमिटमेंट की थी और आपके काफी सारे मैसेजेस आए थे, उस पर वीडियो लेकर आऊंगा। वही हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी अवश्य दबा लें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।